आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया यास्मीन है और मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं उमर हॉस्पिटल लाहौर में और शालामार हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट काम करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी जिनसी ताल्लुकात से पैदा होने वाली बीमारियाँ या फैलने वाली बीमारियाँ। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसमें सबसे बड़ा डालीमा ये है कि सोसाइटी और सोशल प्रेशर की वजह से इस पर ना तो लोग ज़्यादा बात करते हैं, ना ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इस वीडियो का मकसद लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है और ये कि इनकी वजह से बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ये बीमारी होती है और उनको खुद भी पता नहीं होता, और ये एक साइलेंट डिजीज़ के तौर पे ये पूरे माशरे में ये बीमारी फैलती जा रही है। आज हम इसमें बात करेंगे ये कौन कौन सी बीमारियां हैं और ये कौन से ऐसे अफराद हैं जो ज़्यादा रिस्क है जिनमें कि ये बीमारियाँ फैल सकती हैं, और इनके अलामत क्या हैं और इनसे क्या क्या आने वाले वक्त में क्या क्या मुश्किलात पैदा होती हैं या क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इनका क्या इलाज है। जहाँ तक इनकी बीमारियों की बात की जाए तो ये एक लॉन्ग लिस्ट है। इसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट से फैलती हैं, कुछ बीमारियाँ हैं जो कि ट्रीटेबल हैं और कुछ ऐसी हैं कि जिनको हम ट्रीट नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ हद तक, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं की जा सकती। इसमें आपके नॉलेज में भी, बहुत से लोगों के नॉलेज में भी होगा कि जैसे कि हेपेटाइटिस बी और सी है, एचआईवी है, ये वो बीमारियां हैं जो आमतौर पर बहुत से लोगों को पता होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि क्लेमाइडिया, गनोरिया, ट्राइकोमोनियसिस, और इसके अलावा एचपीवी, ये वायरल इन्फेक्शन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी, एचआईवी, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, सिफिलिस, ये भी आजकल वैसे कम हो गई है लेकिन पिछले कुछ अगर आप डिकेड्स में जाएं तो ये बहुत कॉमन थी। ये सारी बीमारियां हैं। अब ये बीमारियां कुछ ऐसी हैं कि जो जानलेवा भी साबित हो जाती हैं, जैसे कि सिफिलिस जो अब आजकल कम हो गया है, लेकिन सिफिलिस ये स्टेजेस में होता है और उसमें अगर कंट्रोल ना किया जाए तो दिल की बीमारियाँ और दिमाग की बीमारियों में ये एंड अप होता है। जो कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ में हों तो वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से अफराद हैं जो जिनमें इन बीमारियों का खदशा ज़्यादा होता है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी ऐसी बीमारियां हैं जो जिनसी तल्लुकात से फैलती हैं। इसमें एक फर्द से दूसरे फर्द में ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी ट्रांसफ़र होती हैं। जो अफराद ओरल सेक्स, इनल सेक्स या फिर ट्रांसवजाइनल सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, इन सब ये सब ऐसे रूट्स हैं जिसमें कि ये बीमारियां फैल सकती हैं। अब ऐसे अफराद जो कि ये देखा गया है कि ये यंग एज ग्रुप यानी 15 से 25 साल के एज ग्रुप में ये ज़्यादा कॉमन होती हैं। ऐसे अफराद जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, एक से ज़्यादा लोगों के साथ वो सेक्स करते हैं, और या फिर ये कि वो अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, और इसके अलावा जो अल्कोहलिक हैं या आईवी ड्रग अब्यूज़र्स हैं, इनमें देखा गया है कि क्योंकि उनके ज़हनी कैफियत ऐसी होती है कि वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो इनमें ये ज़्यादा बीमारी देखी गई है। इसके अलावा ऐसे कपल्स या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि वो जिस पार्टनर से मिल रहे हैं कि क्या वो इन्फेक्टेड है या नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो पार्टनर है उसको ये बीमारी होती है और उसको नहीं पता होता। कुछ रेप के केसेस देखे गए हैं, रेपिस्ट होते हैं वो, जाहिर है उनको वो अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए किसी भी बंदे से ये एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें भी इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अभी देख लेते हैं कि इनकी क्या अलामत हैं। अलामात में ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं कि जो उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वी आर एट रिस्क, क्योंकि अपने बिहेवियर की वजह से उनको पता चल जाता है। सेकेंडली, कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया है कि वो ये कंप्लेन करते हैं कि पेशाब करते हुए उनको दर्द होती है या डिस्चार्ज थ्रू यूरिथ्रा आ रहा होता है। फीमेल्स में वजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, और इसके अलावा पेन होती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी कि जब वो मिलते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होती है।
पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होती है, जो कि शुरू में इनिशियली थोड़ी इतनी ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती, जो कि बाद में क्रॉनिक पेल्विक पेन यानी कि मुस्तकिल तौर पे उनको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होती है। इसके अलावा अलामात में ये भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स ये बताते हैं कि उनको जेनिटल एरिया में कोई स्वेलिंग फील हो रही है या वाटी ग्रोथ की हार्ट सिटीज फील हो रही है, मौके से महसूस होते हैं, जो कि यूरिथ्रा पे हो सकते हैं, फीमेल में वजाइना पे हो सकते हैं, वल्वा या वजाइना के ऊपर, या फिर एनल जो रेक्टम है या पकाने वाली जगह है उसके ऊपर भी ये निशान होते हैं। ओरल सेक्स में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको ये ऐसे दाने मुंह के गिर्द, लिप्स के गिर्द, इन जगहों पे भी हो सकते हैं, जो कि हर्पीस सिम्प्लेक्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म केसेस में दोनों, अब अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में मर्द और औरत, ये ऐसी बीमारी है कि जो कि मर्द और औरत दोनों में बांझपन का शिकार का प्रॉब्लम कर सकती है, यानी कि इनफर्टिलिटी, क्योंकि मेल में अगर ये अनट्रीटेड रहे तो प्रोस्टेटाइटिस और एपिडर्माइटिस जो मेल के जो ऑर्गन्स हैं उन सब में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वो बांझपन का शिकार हो सकते हैं। इसी तरीके से फीमेल में अगर ये प्रॉब्लम होती है और ये अनडायग्नोज रहे और ट्रीट ना हो टाइमली, तो ये फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स हैं उसमें सब में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से लेटर ऑन, जिसको हम PID बोलते हैं, जो कि बाद में बांझपन का शिकार का की सूरत में ज़ाहिर होती है। और ऐसे केसेस में क्रॉनिक पेल्विक पेन, और समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जो ट्यूब्स में प्रेगनेंसी हो सकती है, ये उसमें भी एंड अप होती है। अब अगर हम HIV की बात करें तो HIV या एड्स एक ऐसी बीमारी होती है जो कि मुदाफ़ती निज़ाम को ख़राब करती है। ऐसे पेशेंट जिसमें ये HIV या एड्स होती है तो उसमें वो हर तरह की छोटी से छोटी बीमारी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी का भी आसानी से शिकार हो जाते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि बाद में कैंसर में एंड अप होती है, जैसे कि HPV इन्फेक्शन, ये अगर फीमेल में हो तो ये सर्वाइकल कैंसर का बायस बनती है। हेपेटाइटिस बी और सी, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, ये बाद में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी कि जिगर के कैंसर में एंड अप होता है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं कि जो कि बाद में जानलेवा भी साबित होती हैं, लेकिन कुछ कॉमन जैसे कि क्लेमाइडिया, गनोरिया या ट्रैकोमोनियसिस, ये ऐसी इन्फेक्शंस हैं जो कि बांझपन या इनफर्टिलिटी का बायस बनती हैं। इनको अगर टाइमली डायग्नोस कर लिया जाए, ट्रीट किया जाए, तो काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। अब इनका डायग्नोसिस कैसे है, इसमें अलामात से काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है, या जो पेशेंट रिस्क पे होते हैं उनसे भी उनकी हिस्ट्री से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि ब्लड पे किए जाते हैं, यूरिन पे किए जाते हैं, और वो जो डिस्चार्ज एबनॉर्मल डिस्चार्ज वजाइना से होता है या यूरिथ्रा से हो रहा है तो वो उसके भी टेस्ट होते हैं, और अगर कोई स्वेलिंग है, कोई पिंपल या कोई दाना है तो उसके भी हम उधर से भी स्वैब्स लेके उनके भी टेस्ट किए जाते हैं। एक्सट्रीम केसेस में जो वार्ट्स हैं उनका हम बायोप्सी करके उनके टेस्ट लिए जाते हैं। जहाँ तक इलाज की बात है तो जैसे कहा जाता है परहेज़ इलाज से बेहतर है, ये माकूला यहाँ पे भी फिट होता है। इसमें सबसे पहले है अवेयरनेस एंड सेक्स एजुकेशन, हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस क्या हैं, कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, इन सब चीज़ों से बचना है, आपको एक अपना सेक्सुअल पार्टनर रखना चाहिए, और इसके अलावा जो मल्टीपल रूट्स हैं या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, IV ड्रग एब्यूज़र्स हैं, अल्कोहलिक हैं, ये सब ऐसे हैं जो के इंक्रीज रिस्क हैं। अपना सेक्सुअल बिहेवियर अंडरस्टैंड करें, और अगर आपको लगता है कि अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज हो गए हैं तो आपको गम क्लिनिक यानी कि जेनिटल यूरिनरी मेडिसिन के क्लिनिक में फ़ौरन रब्ता करना है, जहाँ पे वो आपकी हिस्ट्री के बेस्ड पे आपको कुछ टेस्ट बताएंगे। इसके अलावा कुछ मेडिकल इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं या एंटीवायरल अकॉर्डिंग टू डिज़ीज़ दी जाती हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट टेक होम मैसेज है वो ये है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आप सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या हैं, और कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, और अपने आप को की जो सेक्सुअल हाइजीन है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि किसी ये जो डिज़ीज़ है, ये जो सारी एसटीडीज़ हैं जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस वजह से फैल रही हैं, ताकि हम इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, तो आप ओला डॉक्टर फोरम पे कॉन्टैक्ट करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।